चलिए आगे और बढ़ो। साधु जी, हाँ तू तो आई जा, तू क्यों खड़ा है? हाँ इसको भेजो, क्यों खड़ा है? कहाँ बैठे थे तुम? सबसे लास्ट से जो बुलाया था। हाँ अच्छा, रुको रुको रुको, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, नहीं तुम नहीं हो, तुम वहीं बैठो, खुश रहो, तुम नहीं हो, गलत आ गए। दूसरे का पर्चा दूसरे को मिल जाएगा, पर्चा गलत निकलेगा। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारा भी निकलेगा, खुश रहो। माइक लो। जीवन सफल हो गया महाराज जी, आपके दर्शन। ऐसे कैसे होगा? नहीं यहाँ आ गया, आपके दिव्य दरबार में आ गया, आशीर्वाद मिल गया। कहाँ के हो? यही धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। धमतरी जी, हम वहाँ गए थे अंगार मोती माता। जी जी जी। और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के पहले हमने सबसे पहले अंगार मोती माता को प्रणाम किया था जी। क्योंकि वो वन की देवी है। विंध्यवासिनी माता की जय, अंगार मोती माता की जय। गंगरेल है ना? जी जी। तो आप पढ़े लिखे हैं जी, आपने यहाँ किसी को अपना विषय बताया? नहीं सर, मैं सिर्फ मन में था। अपना नाम तो नहीं बताया? नहीं नहीं, किसी को नहीं बताया। आप मानते हैं कोई बिना बताए परिचय पर लिख दे क्या विषय है? नहीं सर। आओ नजदीक, ठीक से बैठ जाओ। हमने तो लिख दिया और तुम वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। जी जी। बोलो क्या अर्जी है? पिताजी का नाम? जी ऐसे नहीं, माइक तो चालू है ना, तेज कर दो थोड़ा ये वाला माइक, ऐसे नहीं। हाँ माता जी का पैर बहुत तकलीफ है, पिताजी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, घर में बरकत नहीं है, नौकरी और दोनों भाई नौकरी के लिए बहुत परेशान है। और उन्नति चाहते, जॉब चाहते, कृपा होगी, घर में परिवार ठीक रहेगा, वर्तमान में बहुत परेशान है। आपका नाम बनी से, पिता का नाम भुवनलाल है, वह भी स्वस्थ होंगे, माँ भी स्वस्थ होगी, आशीर्वाद है जी। धन्यवाद। पर्चा यही बोल रहा? जल्दी बागेश्वर धाम बुलाइए। बिल्कुल, पर्चा यही बोल रहा? जी जी जी, बात एकदम सही। जी जी, कोई संदेह? नहीं नहीं। साधु जी सीताराम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। ये मंत्र है, इसका प्रयोग धाम की पेशी करनी है और बस ये मंत्र। उठो सदा, यहाँ तुमने बताया था ये डिटेल समस्या, जा और तुम धाम आना जल्दी, और माँ उनकी अंगार मोती के दर्शन करना, तो हमारा प्रणाम कह देना। साधु जी बोलो, साधु जी